अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौशल खबरनामा है सुबह ज़ुहूर लोलावी तंदिस खिदमत में हाजिर तो पेश खबरन तफसील। शुरुआत बजट अहम खबर सहित इलेक्शन कमीशन किस हिदायत पे सपद वाल पत् जुमिस अंदर कुल जमात इजलास शुरू यम सदारत चीफ इलेक्शन ऑफिसर हरदेश कुमार कर अत इजलास अंदर सपदन पीडीपी बीजेपी एनसीपीसी अपनी पार्टी तो दीगर जमातन हंद लीडर शामिल। ये इजलास जम्मू कश्मीर अंदर इंतखाबन हवाल इंतहाई अहम मान तेज यम इजलास सपदन तम तमाम खदशा दूर यम पतमे कहिया कल पे मुख्तलिफ सियासी जमातों तरफ तुलना आए। उसको देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद बात करें। वो वोटिंग राइट वाला जो इशू है वही माना जा रहा है कि वही मुद्दा है। कुछ नहीं कह सकता मैं, तो यही कह सकता हूँ जब तक तो मैं उनको सुनूंगा नहीं तो क्या पेश करते हैं तो तुम्हें कुछ कह सकते। कांग्रेस का बाकी जो हमारा स्टैंड जो पहले था जो ऑल पार्टीज का स्टैंड था हम उस पर स्टैंड स्टैंड पे खड़े। क्या है क्या स्टैंड जो पहले स्टैंड वो आपने बताया था कि हम बाहर के वोटरों को जो अगर हक देना चाहेंगे उस पर हम विरोध करें। लेकिन दूसरे राज्यों में जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी वहाँ वोटिंग बताएं कि जम्मू ईस्ट में का फैसला मैंने कर लिया। जम्मू गांधीनगर वाले ने फैसला करना कि यहाँ का विधायक कौन होना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था कोई कहाँ पर राज्यों नो मैं कहता हूँ कहीं पे नहीं। मुझे क्या बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर क्या बिहार के लोगों को हक दिया कि वो वोट डालें, फैसला करें वहाँ के लोग। कह रहा हूँ उनको कागज पेश करने दीजिए, क्या कहते हैं फिर बताएंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आरपीए 1950 को लेकर कांग्रेस के समय में बना हुआ एक्ट और आज जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद केंद्र के सभी इनकी सभी एक्ट्स की जो है यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है। आज चुनाव अधिकारी जी ने रिवीजन जो हमारी जो समरी रिवीजन है उसके लिए बैठक रखी है, उस बैठक को अटेंड करने के लिए अपनी टीम के साथ हम लोग जो है यहाँ पर। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आरपीए जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके ज़रिए आप अपने जो है वोट बैंक को जो है पूरा कर रहे हैं। 1950 में भी ये जब एक्ट बना था तभी यही प्रावधान थे, उससे पहले भी यही प्रावधान थे। आज मात्र इसलिए क्योंकि 370 जाने के बाद 35 से हटने के बाद पहला चुनाव है, शायद इन लोगों को यही तकलीफ हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो प्रावधान यहाँ पर एप्लीकेबल है उन प्रावधान के मुताबिक ही जो है सब रिवीजन होनी चाहिए और उसी के मुताबिक चुनाव। तो नाज़रीन आज खबर पर मज़ीद तफसील खातिर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ेमित। इशफाक खबरनाम मज तुद खैर मकदम तो इम हवाल क्या ताज़ तफसील, क्या ये मीटिंग सपदया शुरू तो कच अहम यन वालस इंतखाब हवाल कच अहम मीटिंग योतम जरूर है मीटिंग कत करो तो वन कह कल ब्रो आई तमाम पार्टियन लीडर यथंदर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो दीगर जमातन हंद रहनुमा यम तम वार कर अत इजलास अंदर और वन कह कल ब्रो सपूद इजलास जमिस अंदर शुरू। अमे इजलास अहमियत इसलिए अहम तिकाजे यूटी बनन पत जम्मू कश्मीर अंदर बड़स पैमानस अंदर वोटर लिस्टर अंदर नव नाव इंद्राज सपद बड़स पैमानस पड़ लटि और यूटी हन हन तो वरवार इलेक्शन कुन पकान आसार करें तथे पी नजर गवंबर अखरस तान ये सारी वोटर लिस्ट आवाम ब्रोह कम पे अकट आल पार्टीज मीटिंग सपद इलेक्शन कमीशन के सर्वर ही अंदर और तम पे सिक्योरिटी रिव्यू तो हन हन वार यूटी जम्मू कश्मीर अंदर इंतखाब इसलिए ये मीटिंग से तमें हिसाब अहम दम जम सा चीफ इलेक्टोरल अफसर अख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंदर तम पुंचन लक्षन वोटरन हंद जिक्र कोर तो वन कि गैर मकामी गैर रियासती बाशिंद अहल अगर तथ पर गवर्नर इंतजामिया तो बाकी लूकन हंद तरफ वजाहत दिन आई लेकिन आज जम लीडर अंदर असान तमो कथि वजाहत तम दिन कतन तम वोटरन इंदराज ग इजाजत दिन यम जम्मू कश्मीर सल्लुक आवान और तिंद गर्ज महाराष्ट्र अंदर बिहार अंदर तो बाकी रियासत अंदर ये बड़स पैमान अंदर वोटरन इजाजत दिन तो जम्मू कश्मीर अंदर क्या वन वन कि यम सा मीटिंग वन शुरू गई यम सा अख्ताम गई नबर नीरित
इन लीडरों दोहरा कान कित पान सवालों हूं जवाब और इलेक्टोरल अफसर सिंह तरफ हरदेव जी सिंह तरफ इस बयान जारी सपदे तथ बयान अंदर क्या इसलिए तरह या ताजी मिनट इस इजलास इंतहाई अहम और मे उम्मीद कि साढ़न पांचन बजन तम ग तमाम तर मामला क्लियर और सवाल बाकी मामला तम ग क्लियर शुक्रिया इशफाक तो नाजरन सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवहर अस तफसील फ्राहम करान तो युद्ध वन जी मीटिंग से यन वलिस इंतखावस हवाल वारिया अहम मीटिंग खबरनामस मज पको ब्रोखुन आज से पूर मुल्क मज वस्ताद दोह मनान दोह तलब इलम वस्ताद सो इज्जत दिवान इस तम पानस अंदर महसूस करान वस्ताद दोह पांच सितंबर कुनवुह शेथ दुहठ पे मनान तो यह दोह उस डॉक्टर राधा कृष्ण सुन जाय दोह तो इंसान सन जिंदगी मन से वस्ताद सुन अख अहम रोल आसन वस्ताद से अख न्यामत यमुक अस शुक्र पज करुन इमे दो हवाल आवाज दिल मन एक तकरीब हुन संज करन येत द्रौपदी मुर्मू नेशनल टीचर्स अवार्ड जसा जुतु वस्ताद हंस हौसला अफजाई करे तिम इनामो सहित नवाज यमन मन जम्मू कश्मीर पेट ते वस्ताद शामिल छ यह पर्व एस के आई सी सी श्रीनगर ते नेशनल टीचर्स डे हवाले एक तकरीब हुन संज करने यात मज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी तौर मौजूद ऐस अत मौक पे ये कहिया वस्ताद इनामो सहित नवाजना आए तत एल जी एन खिताब करान वोनम वस्ताद रोशन चराग उस कहियान दिमित चरागन रोशन करान तमो वो वस्ताद तलब इलमन अंदर इजाद जज्ब पौद करान तो नव तालीमी पॉलिसी सहित मिले अत मजीद पोछर आज शिक्षक दिवस की टीचर्स डे की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। याद है जब दो वर्ष पहले मैं आया था अगस्त महीने में कार्यभार ग्रहण किया था 7 तारीख से उस समय चीफ सेक्रेटरी होते थे मिस्टर सुब्रमण्यम 3 सितंबर को उनसे मैंने कहा टीचर्स डे का फंक्शन कहा है उन्होंने मुझसे कहा साहब होता नहीं है तो राजभवन के एक छोटे से कमरे में वो कार्यक्रम किया गया गत वर्ष से और इस वर्ष व्यापक रूप से ये कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में होने लगा है सबसे पहले पिछले साल ही हमने बेस्ट टीचर्स अवार्ड शुरू किए इस खिताब से नवाजे गए सभी शिक्षकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और बाकी शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने अच्छा काम नहीं किया है ये क्योंकि 10 ही लोगों को पुरस्कार देना था मैं जानता हूं कि इससे भी ज्यादा लोग हैं जो योग्य हैं जिन्होंने पूरी लगन विद्यार्थियों के भविष्य को बढ़ने में समर्पित भाव से काम किया है उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं जनूबी कशीर हंदे जिल शुपियनस मज से तम सात दहशत खौफ फलियमुत इलेकिस बागस अंदर अख लाश लबना आए पुलिस बयान मुताबिक लाश हंस पहचान 30 वोर मंजूर अहमद नांगरू वलदे गुलाम अहमद नांगरू सन तौर सपोज मज उस हजन राजपुरा पुलवामिक रोजन वोल उस पुलिसन वोनम जो लाश पे गोलन हंद निशान लबना आम ताहम चम हवाल तहकात जारी करू फोन योर खानदार दोनों अस बत खान क्या द्रवाई बस बसो वह गर साढ़ 5 द्रमे त्रड़ी पर वे पे अगल लगम 10-15 मिनट इन नफर अगल सामि तौर तुम चम चाय गि 6:30 वम उत वाक कौर इन रटिक
سوچ دی یہ سوری مز شیخ اس گاڑ چلا تمہن دپان چھ گاڑ بس دس سہ رکو وس میں دیا دار کن ہوٹ نفر تمہیں دس سیود نالن تھپ تو پہ تھوپ دوٹ ووٹ گنڈ مز دیت پن گاڑی مز دار تو نیک یہ واز کم کر واز کم زیادہ پہن بیان کاندر کم پولیس کالے گئی پولیس پولیس آو سوچ پولیس آو تف جائے موقع پہ یہ رٹک نیک تو تک پولیس گو جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہن پولیٹیکل افیئرس میٹنگ سپز آز سری نگرس اندر منعقد یمچ صدارت سابقہ وزیر اعلیٰ تو پارٹی صدر محبوبہ مفتی کر ام میٹنگ پتہ محبوبہ مفتی اخبار نمائندہ ست کت کران مرکز پہ راہ کھولم تہذ پالسی کن جموں کشمیر من حالات ہر دہ خراب سپدان تم زر بٹن ہند معاملہ استن یا سیاسی معاملہ بی جے پی ہر محض پہ ناکام سپز مز تم دت کت پہ زور زاکستان ست کت بات کریں ضروری صرف وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرے تو یہ جو جموں کشمیر میں خون خرابہ یہ جو خون کی ہولی روز بروز چلتی رہتی ہے اس کو بند کیا جائے اور اس کے علاوہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق 2019 5 اگست سے ختم کیے گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنا 370 اور 35A کے لیے جو ہمارا ایک ملا جلا ایجنڈا ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ کہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک تو ہم تو خود جدوجہد کریں گے مگر ہم اپیل کرتے ہیں دوسری جماعتوں سے بھی کہ وہ اس میں سپورٹ کریں اس میں ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں کیونکہ اگر ہم اس کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے ہیں تو نہ تو ہمارا وجود رہے گا نہ ہماری شناخت رہے گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر تو اگر وہ چاہیں گے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر جہاں ہمیں بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم چاہیں گے وہ اس مدے پہ ہمیں سپورٹ کریں اور اس کے علاوہ جو یہاں کلنگز جس میں جو یہاں کے لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے سیکیورٹی فورسز کا آدمی ہو چاہے پولیس کا ہو خاص کر جو ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو ہم نے ایک ماحول بنایا تھا 2002 کے بعد ان کو واپس لانے کا ان کو یہاں بسانے کا اس میں کافی بڑی رکاوٹ آ گئی ہے جو پچھلے ایک سال سے یہاں ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی کشمیری پنڈتس کی اور مرکزی سرکار پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے حالانکہ وہ ان کا استعمال کرتی ہے ہر الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے ایک ڈیموکریٹک سیکولر ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے ہم نے خدا نہ خواستہ کسی ایسے ملک کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے کہ جو ہمیں جن شرطوں کو ہم نے پہ ہم نے ہاتھ ملایا تھا کہ ان شرطوں کو مسخ کر کے وہ ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹے یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے نتائج جو ہیں بہت خراب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سرکار بار بار بات کرتی ہے کرپشن کرپشن فری مگر سب سے زیادہ کرپشن اگر کہیں ہے تو وہ اس سرکار میں ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو 3 ریکروٹمنٹس ابھی تک ہوئیں 3 ہی ہوئی زیادہ تو کچھ ہوا نہیں جس میں سب انسپکٹر کی ریکروٹمنٹ ایف اے اے کی ریکروٹمنٹ اور جونیئر انجینئر ان جل شکتی تینوں ان کو کالعدم کرنی پڑی کیونکہ تینوں میں بہت بڑے پیمانے پہ یہاں کی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ انوالو تھے ایٹ دا ٹاپ اور باقی لوگ انوالو تھے اور اس کی سزا یہاں کے نوجوان بھگت رہے ہیں جنہوں نے سالوں سال محنت کر کے اس ریکروٹمنٹ میں حصہ لیا تھا ایگزام دیے تھے انٹرویوز دیے تھے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو آخر میں ہماری یہ گزارش ہے کہ جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں کہ آپ کو اتنے بڑے ملک کے آپ پرائم منسٹر ہیں اول تو جو آپ یہاں جو آپ نے ایک ٹانڈو شروع کر کے رکھا ہے یہاں چاہے وہ پریس کے لوگ ہوں چاہے عام نوجوان ہو ان کو نہ صرف اریسٹ کرتے ہیں بلکہ یہاں کے جیلوں میں نہیں باہر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ جو ہیں ان کو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں کم سے کم انسانیت کے ناطے ان کو واپس لیا جائے ابھی میرے ساتھ میرے پاس فون آ گیا چترا گاؤں وچی میں ایک بچی ہے بسما اس کا کوئی کزن دور دراز رشتہ دار ہے ملٹنٹ اس کے باپ کو بند کر دیا ہے تھانے میں اس کے بھائی کو بند کر دیا ہے یہاں تک کہ اس کی بہن کو جیل میں بند کر دیا ہے پچھلے 2 دنوں سے تو یہ تو نہیں چلنا چاہیے آخر کار آئے اتنے بڑے ملک کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں تو اگر اس قسم کی زیادتیاں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں جو آپ دوریاں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑھیں گی اور میری یہی گزارش ہے کہ آپ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے جو واجپائی جی کی پالیسی تھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی پالیسی تھی
मुफ्ती साहब के साथ मिलके जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नया आगाज किया था डायलॉग का, पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के लोगों के साथ भी रास्ते खुले थे। आप वाघा बॉर्डर से कारोबार करते हो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज शुपियन चित्रगामस में पार्टी कन्वेंशन संज कर लूकन एक खास तदाद शिरकत कर अत मौक पे पार्टी सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह वो गवर्नर इंतजामिया तरफ लूकन अपज वन तुम लूकन जोर दिमुन वनुक तम वोटक इंदराज कर्मुत तुम कर पे वोटक इंदराज अत मौक पे पार्टी हंद सीनियर लीडर तौजूद। इंतकाम सन इंतकाम से पन्न तैयारी कर आज दपा तुम गुजर तुम नोट रजिस्टर कर्मुत सारी खत बड़ काम आज पुन वोट रजिस्टर कर नाव सही आस तक आधार कार्डस पे सही नाव गुन नगह ये गो वोट त्रा सर ये तो गलत क्या चाहान गा वोट त्रा तुम पी पड़ी सो जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी तरफ आवाज पार्टी दफ्तर श्रीनगरस में एक इजलास संज कर कहिया लूको आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर अत मौक पे आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर तो काबीना वजीर इमरान हुसैन मेहमान खसूसी तौर मौजूद तुम अत मौक पे नुमाइंद सत कान वोनमुत यदव ये कहिया पार्टियों राज कुर तहम सपदे तुम जम्मू कश्मीर आवाम मसल हल कर नाकाम तुम्हें आम आदमी पार्टी सो वाहिद पार्टी इस जम्मू कश्मीर कन लूकन हंद जज्बात तो एहसासात कदर करान तो ये पार्टी कर यन वालस वक्त मे जम्मू कश्मीर तमाम मसल हल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मकसद तो यही था, आज यहाँ काफ़ी लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, तो इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ शिरकत की, लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई है। पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी को जो गवर्नेंस मॉडल है उसका जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, चाहे वो दिल्ली के बाद पंजाब हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, और उसके बाद अब ये लहर जम्मू कश्मीर की तरफ भी बढ़ रही है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ काफ़ी लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी, तो उस प्रोग्राम में आया था और यहाँ पे उसके साथ साथ कुछ लोगों से मुलाकात के लिए भी मैं लगभग एक साल से आ ही रहा हूँ मुलाकात के लिए लोगों से। तो सर ये बताइए कि लाइक as far as the Kashmir state UTR concerned, out of all the states Jammu Kashmir is completely different, so what could be the manifesto of Aam Aadmi Party in Jammu and Kashmir particularly abhi filhal aap is pe bataiye ki proper manifesto kya rahega Jammu Kashmir ke andar? dekhiye Aam Aadmi Party jo manifesto banati hai wo public किस बाब से बातचीत करके बनाती है। अभी यहाँ 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो भी यहाँ की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम सर्वे कराएंगे, हमारे लोग जाएंगे वहाँ पे, वॉलंटियर्स जाएंगे, लोगों से मशवरा करेंगे, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जहाँ स्कूल की ज़रूरत होगी स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल की ज़रूरत होगी अस्पताल बनवाएंगे, और दीगर जो भी यहाँ के लोगों के चाहेंगे उस हिसाब से हम अपना पब्लिक से बात करके पब्लिक का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे। सर एज फार एज द आर्टिकल 370 एंड 35 ए आर कंसर्न आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हादसन अंदर जू जाय सपदन सिलसिला लगातार जारी यम किन आज ते जिल डोड़ास में बुन बुन हादस दौरान सत इंसानी जू जाय सपदमित यम मज बज मोज तो नीचू त शामिल
जन कह नफर छोकल तपद मे वन जल्टो गाड़ गई पुल डोडा गालगंदर नजदीक ड्राइवर सदि काबू नश नबर यम तथ सवार चोर नफर मार सपदे जन छोकल तपूदमुत मरण वाले पहचान विक्रम सिंह सत्या देवी सतेशा देवी तो लखराज सौर सपजम ये जन छोकल वाल सन पहचान नसीब सिंह सदि तौर सपजम इन मरण वाले मन ब मोज तो नचो त शामिल यपर्च ब्या हादसे तमें पेश आमुत ये स्विफ्ट गाड़ डोडा पे बदरवा गस्नस दौरान मुगल मार्केटस निश ड्राइवर सदि काबू नश नबर गई यम कोड़ फुट सिनिस खाई मज लाइन आई यम तथ सवार नफर मार सपदे ये जन नफर छोकल मरण वाले पहचान सजाद अहमद तो ड्राइवर रविंदर कुमार ये जन छोकल नफर सहचान मनहास सदि तौर सपजम यमो हादसों पते मुकामी लूको तो पुलिस तरफ बचाव कारवाई शुरू करना आम ये पे छोकल नफर हस्पताल नन आम ये तिहद इलाज जारी जनाब खिते के अंदर न थमने वाला सड़क हादसा का मामला लगातार जारी। आपको बताना चाहेंगे कल देर रात एक स्विफ्ट गाड़ी जो जम्मू से भद्रवाह की तरफ जा रही थी जिसमें तीन लोग सवार थे और प्राणों के मकाम पे जब वो गाड़ी पहुंचती है वो हादसे का शिकार हो जाती है। एक नीरू नाले में चले जाती है, एक बड़ी खाई में चली जाती है जिसमें तीन लोग बताया जाता कि सवार थे। एक शख्स की वहीं पे मौत हो जाती और एक शख्स लापता था और एक शख्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जिसको काफी ज्यादा चोटें लगी थी और जो शख्स लापता था अभी कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शख्स भी मिला है। यानी कि उस एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत होती है और एक शख्स जो है काफी ज्यादा जख्मी है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिसका इलाज चल रहा है। और अभी हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि गलगंदर का जो एरिया है उस एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ है अल्टो गाड़ी का जिसमें पांच लोग सवार थे और ये शिवा से भद्रवाह की तरफ जा रहे थे, एक शादी अटेंड करने जा रहे थे। पांच में से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और एक शख्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है और ये गाड़ी बताया जाता है कि काफी बड़ी खाई में चली गई है। एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने सुबह सुबह ही सीरीकल्चर महकमस मज काम करन वाले मुलाजमों से पन्न बच हेत इंतजामिया खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी करम तुम्हें यदव कहिया कल पे महकमस मज काम करान तहम छन मुस्तकिल करने यवान नश मिनिमम वेजेस एक्ट लागू यवान करने यम किन सन बच फक कशी पे मजबूर सपद मे तुम्हें इमे वाल इंतजामिया अपील करम सन मसल अंजराना हवाल गसन संजीद कदम तुलने यिन युत सन दोह गुजारन सपदे मुश्किल। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए जे एंड के सीरीकल्चर कैजुअल डेली वेजर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज प्रेस क्लब श्रीनगर में 74-8 आवर्स के हमने भूख हड़ताल की कॉल दी है। उसमें हमारे मौसूम बच्चे नन्हे जिनके हाथों में आप लोगों ने पहले कार्ड्स देखे होंगे वे अपने मुतालबात के हवाले से इनका एक मेन मुतालबा है कि जो इनके पेरेंट्स सीरीकल्चर डिपार्टमेंट में कई अरसे से 20-25 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी इनके जो पेरेंट्स हैं ना उनको रिगुलाइज किया जा रहा है, ना मिनिमम वेज एक्ट के जुमरे में लाया जा रहा है, ना ही उनको 12 मंथ के काम करने के बावजूद पहले अफसोस से बात है मैं ये कहनी पड़ती है कि अगर साल में 12 महीने है 12 महीने काम करने के बावजूद भी हमारे सीरीकल्चर के सीजनल लेबर्स को डेली वेजर्स को कैजुअल लेबर्स को तीन चार पाँच छः महीनों की तनख्वाह दी जाती है और उसमें भी ह्यूज डिडक्शन की जाती है। इस जमन में आपके वसात से आपके माध्यम से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मुअत्तबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि एक जो इनकी लाइबिलिटीज है वो उनको 12 मंथ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ जे एंड के सीरीकल्चर कैजुअल डेली वेजर्स अंडर द बैनर ऑफ जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फॉर्म के बैनर तले एक इनकलाबी प्रोग्राम होने जा रहा है जिसको रखना किसी की बस की बात नहीं होगी। गुजरबस्ती हालन लामड़ रोजन वालों लोको PMGSY महकमस खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी करम तुम्हें इमे वाल शिकायत बावान वोनमुत इलाकस में सड़कें मरम्मत करने यवान तहम अत नाकस मवाद इस्तेमाल करने यम किन सड़कें हालत मजीद खराब सपज तुम्हें इमे वाल इंतजामिया अपील करम अत मामलस कुन गज जुन यून दिन युत आवाम सपद पट दोखबाजी मसला ये है रोड का कि इस रोड में हमने हमारे को पता लगा था कि पहले वो रोड़ी डालनी थी इसमें रोड़ी का कोई बहाना ही नहीं है यहाँ पर कोई सफाई करनी ही नहीं है खाली मिट्टी के ऊपर जा रहा है एक एक इंची डालते हैं। इनको पूछा था हमने ये क्या वजह है ये कहते हैं आपकी रोड के लिए ये एक ही है बात के इसमें एक इंची हमारे को डालना है बाकी हमारे पास कोटा है नहीं है वो नीचे वाली रोड है हमारे को पता नहीं है वो नीचे वाली रोड क्या है। हमारा मसला ये था हमने पहले भी मांग की थी इनको
कि यहाँ से ज्यारत माला तक हमारे को ज्यारत शरीफ तक आया, कागज लेके आया, भी आया तो वो कहता अभी वो रोड नहीं आया। ये मसला ये है कि इस रोड का मसला ये है कि इसकी नाली कटनी थी, वो नाली भी नहीं कोई काट रहा है। नहीं इसके में वो मैगडम अगर आया तो मैगडम है ही नहीं है, इसमें कहते हैं हमारे को एक इंच ही डालनी है। आप हमने बोला वो रोड़ी छोड़ी डालनी थी, इसमें खड्डा हो गया है, इसमें बिल्डोजर लगी है, वो खड्डा कर दिया बिल्डोजर ने। ये कहते हैं आपके लिए वो है ही नहीं, वो बाकी रोडों के लिए है। इसलिए मेहरबानी का हम अर्ज करते हैं कि आपकी वसाले से अगर हमारा डीसी साहब से ये गर्ज हमारा पहुंच जाए, हमारा आवाज क्योंकि 200-250 चूल्हा यहाँ पर तो कोई सुनवाई हमारी है ही नहीं। तो नाजरीन ये कोशिश खबर नाम वो यत्न से अंद दियो इजाजत, खुदा सवाल।